आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमने बहुत ही कम तेल में बना कर के तैयार किया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अर्चना ब्लॉग एंड रेसिपी में। तो चलिए इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी। अब हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे एक पैन, पैन को करेंगे हम गर्म। तो पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी। इसमें हमें घी या तेल नहीं डालना है और सूजी को हम लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो सूजी जो है जलने लगेगा। तो हम इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारा भून चुका है। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा हो गया है, इसके दाने दाने अलग हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो हमने 1 कप सूजी लिया था तो इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाल दिया। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए पहले से गाढ़ा हो गया है, मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ। और इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसको हम लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। और फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है। ये देखिए ये पहले से और ज्यादा गाढ़ा हो गया, हमें 1 मिनट के लिए इसको और पका लेना है। पानी आप देख पा रहे होंगे, पानी जो है सूजी बिल्कुल सोख कर चुका है। इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट के लगभग हो गए हैं और ये देखिए सूजी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से सूजी को पका करके तैयार करना है, बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसको बिल्कुल हमें गीला नहीं रखना है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ठंडा होने में 5 से 7 मिनट लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैंने 1 चम्मच के लगभग लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह पे हरी मिर्च भी ले सकते हैं बारीक काटकर। और आधा चम्मच हमने लिया है कुटी हुई गोल मिर्च, इसको हमने खल में रख के कूट लिया है। आधा चम्मच हमने लिया है जीरा और 2 चम्मच के लगभग लिया है हरा धनिया, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा हमने लिया है कसूरी मेथी, इसको हमने हाथों से क्रश करके इसमें डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम हाथों से मसलते हुए इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल डो की तरह हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, बस इसको हम थोड़ा सा प्लेट पे इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए इसको हमें चिकना कर लेना है। तो ये देखिए सूजी का डो जो है बन करके तैयार हो चुका है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम रोटी बनाने वाला एक चौकी ले लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर फैला लेंगे। जो हमने ने डो तैयार किया है उसमें से हम थोड़ा सा लेकर के इसको हम लड्डू का शेप बना लेंगे इस तरीके से।
अब इसको हम चौकी पे रखेंगे, चौकी पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको इस तरीके से दबाते हुए इसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसे हम पूड़ी के शेप में काट लेंगे। तो मैंने इसको फैला लिया है, इसे हम ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, बस मीडियम इसकी थिकनेस हमें रखनी है। अब हम एक कटोरी ले लेंगे, कटोरी की जगह पे आप कोई ढक्कन या फिर ग्लास, उससे हम इसको कट करेंगे। अब देखिए मैंने इसको काट लिया है और जो एक्स्ट्रा किनारे का निकला है उसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से चलिए हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा लेकर के इसको गोला बना लिया है, फिर इसे हम चौकी पर रख कर इसको हम फैला लेंगे। आप चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, अगर आपको काटने का मन ना हो तो आप सिर्फ इस तरीके से फैला करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये काटने से क्या होता है कि जो हमारा नाश्ता बन करके तैयार होता है वो देखने में भी अच्छा लगता है और एक साइज के सारे जो हैं बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भी काट करके निकाल लिया है। अब ये इसकी आप मोटाई देख पा रहे होंगे, बस हमें इतना ही मोटा रखना है। तो इसी तरीके से हमने जितना डो बना करके रखा है उस सबको हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे को बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक चूल्हे पे तवा चढ़ाएंगे और इस पे हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। इस नाश्ते में हमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा ही तेल में ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। और जो हमने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना करके रखी हैं इसको हम तावे पे रखेंगे इस तरीके से फैलाते हुए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मतलब वीडियो मेरी पसंद आ रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस तरीके से हम घुमा देंगे ताकि जो तेल है चारों तरफ फैल जाए। बीच बीच में हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद इसको हम पलट लेंगे। इसको उलटते पलटते हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो मैंने सारे पूड़ियों को पलट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अगर आपका मन हो तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा तेल डालने से क्या होता है, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाता है। फिर तेल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि तेल जो है चारों तरफ लग जाए। अब इसके बाद हम फिर से इसको पलट लेंगे। इसको हमें दोनों तरफ से सेंक लेना है उलटते पलटते। तो ये देखिए ये नाश्ता हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। तो इसी तरीके से हमने जितनी पूड़ियाँ बना करके तैयार की है सबको इसी तरीके से हम सेंक लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी पूड़ियों को सेक करके तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो हमने नाश्ता बनाया है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और फ्रेंड्स, आप इसको सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या फिर दही के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके पास सॉस या चटनी ना हो तो आप इसे सिर्फ दही के साथ भी खा सकते हैं। दही के साथ ये काफ़ी ज़्यादा लजीज लगता है। सो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।